हेलो जूनियर के जी, आज मैं आपको अपनी नेक्स्ट पोयम, बुक है आपकी जिंगल बेल 50-50, उससे नेक्स्ट इंग्लिश पोयम करवाने जा रही हूँ। हिकरी डिकरी डॉग, ये देख रहे हैं जैसे कि पिक्चर, एक क्लॉक है, एक बर्ड है और एक माउस है। ओके, तो हिकरी डिकरी डॉग, तो द माउस रैन अप द क्लॉक। चूहा क्या कर रहा है, घड़ी की जो सुइयां हैं उन पर कूद रहा है। द क्लॉक स्ट्रिक वन, और जब वह कूदा उस सुइयों पर तो उसने क्या किया, स्ट्रिक एक बजा दिया, क्या बज गया, एक। द क्लॉक स्ट्रिक वन, द माउस रेन डाउन, और उसको जैसे ही बजते हुए चूहा नीचे रेन डाउन नीचे कूद गया। हिकरी डिकरी डॉग, ये आपकी पोयम है हिकरी डिकरी डॉग। मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेट किया, फिर हम इसकी इंग्लिश रिविजन करेंगे। हिकरी डिकरी डॉग, हिकरी डिकरी डॉग, द माउस रन अप द क्लॉक, द माउस रन अप द क्लॉक, द क्लॉक स्ट्रक वन, द क्लॉक स्ट्रक वन। बार बार बोला कीजिए बच्ची इस लाइन को, जैसे मैं बोल रही हूँ उससे आपको याद करने में आसानी होगी। द माउस रन डाउन, द माउस रन डाउन, हिकरी डिकरी डॉग, हिकरी डिकरी डॉग। बिल्कुल ऐसे ही आपको इस राइम्स को पढ़ना है। पेज नंबर 5 है, जूनियर के जी बुक है, हिकरी डिकरी डॉग इंग्लिश की पोएम है। तो बिल्कुल ऐसे मेरे साथ पढ़िएगा। सो चिल्ड्रन, जूनियर के जी, बिल्कुल आपको इस पोएम को याद कर लेना है, रट लेना है। घर पे रहिए बच्चे, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो टिल देन, ओके, बाय।